हेलो दोस्तों, आज का वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि पोको M2। देखिए ये जो मोबाइल है पोको M2 है, मैं आपका पीछे दिखाता हूँ, ये जो है पोको M2 है और इसमें हम लोग एक बार मोटो बैटरी लगा के देखेंगे कि ये जो मोबाइल है चलता है कि नहीं। मतलब इसका जो बैटरी है ओरिजिनल बैटरी उसका ख़राब हो गया है और मैंने जो है इसमें ओप्पो बैटरी लगाया था, क्योंकि ये भी पुराना बैटरी है और ये चार्ज नहीं रख रहा है। लेकिन ये जो मोटो बैटरी है अच्छा बैटरी है, इसको हम लगा के टेस्ट करते हैं कि ये जो मोबाइल है, मोबाइल का बैटरी है, इसमें मतलब पोको मोबाइल जो है ऑन होता है कि नहीं, अगर होता है चार्ज रखता है कि नहीं, मतलब चार्ज होता है कि नहीं, आज हम डिटेल्स में देखेंगे। ठीक है, कोई भी मोबाइल में आप लोग जो है कोई भी बैटरी लगा सकते हो, मतलब कोई भी ओप्पो मोबाइल में वीवो लगा सकते हो या तो दूसरा कोई भी कंपनी का बैटरी लगा सकते हो। लेकिन उसके लिए क्या होता है, पहले आपको रिक्वायरमेंट होता है आपका जगह। देखिए इसके अंदर आपका बैटरी आना चाहिए और दूसरा कुछ भी नहीं। और दूसरा आपका पुराना बैटरी का ये जो कनेक्टर है, ये जो वाला जो कनेक्टर है आपके पास रहना चाहिए। अगर पुराना वाला कनेक्टर नहीं है तब जो है आप इसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो मेरे पास इसका पुराना कनेक्टर है, ओप्पो का, ओप्पो में मैं ओप्पो बैटरी लगाया था, लेकिन ये बैटरी जो है खराब हो गया है। हम लोग फिर अपना मोटो बैटरी लगाएंगे। तो ठीक है, आज देखते हैं कि कोई भी बैटरी, मतलब ये जो मोटो बैटरी लगा के हम लोग पोको मोबाइल चला पाते हैं कि नहीं। ठीक है, तो अगर आपको देखना है तो आपको अगर कभी भी चेंज भी करना है तो ये वीडियो को अंत तक देखिए, उसके बाद आप भी ऐसे करके चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, देखिए पहले हम क्या करेंगे ना, ये जो बैटरी में जो बैटरी आपका कोई भी ओरिजिनल बैटरी हो उससे क्या करना है, आपको ये वाला जो है खोल लेना है। खोल के आपको क्या करना है, आपका जो कनेक्टर है, बैटरी का कनेक्टर है, इसको निकाल लेना है। ठीक है, देखिए ये वाला जो है बैटरी कनेक्टर है, इसको हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए ये वाला जो है बैटरी कनेक्टर है और इसको हम लोग निकाल लेंगे, क्योंकि ये वाला ही सबसे ज़्यादा ज़रूरत होता है, यही वाला ही ज़रूरत है। ठीक है, तो इसको हम खोल लेते हैं। देखिए ये जो है कनेक्टर है, इसको हम खोल लेंगे। ठीक है, क्योंकि बैटरी में कुछ नहीं रहता, सब बैटरी एक ही होता है, लेकिन कनेक्टर जो है अलग अलग होता है। ये जो कनेक्टर है ये पोको का है और इसको हम खोल लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे ना, ये जो मोटरोला का बैटरी है इसका कनेक्टर हम लोग खोलेंगे, और खोलने के बाद क्या करेंगे, इसी बैटरी को और ये कनेक्टर के साथ हम लोग जोड़ेंगे, और जोड़ने के बाद हम लोग इसको फिक्स करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको खोल लेना है। देखिए ये जो है आराम से इसको खोल लेना है। तो इसमें अच्छा से ध्यान रखना है कि माइनस प्लस क्या कौन सा है। अगर आपको नहीं मिलता है माइनस प्लस तो आपको देख लेना चाहिए माइनस कौन सा है, प्लस कौन सा है। ठीक है, ये वाला जो है माइनस है, ये वाला जो है प्लस है, तो इसमें भी लिखा रहता है माइनस और प्लस, आपको थोड़ा अच्छा से ध्यान लगा के देख लेना है कौन सा, ये वाला जो है प्लस है और ये वाला जो है माइनस है, तो आपको इसको उल्टा कर देना है। ठीक है, ऐसे करके उल्टा कर देना है, और उल्टा करके आपको क्या करना है, इसको जो है सोल्डिंग कर देना है। ठीक है, देखिए इसको जो है ऐसे करके सोल्डिंग कर देना है, लेकिन आपको इधर ध्यान रखना है कि कोई कंपोनेंट के ऊपर जैसे कि ये ना लग जाए, तो आपको थोड़ा सा बेंड करके इसको सोल्डिंग कर लेना है। ठीक है, अगर आपका ऐसा कुछ होता है तो आपको थोड़ा सा बेंड करके इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आपको ऐसे करके सोल्डिंग कर लेना है, अगर कुछ भी कंपोनेंट रहता है या तो उसके ऊपर कुछ भी एक दे देना है, देखिए उसके बाद आपको कनेक्ट कर लेना है। ठीक है, देखिए ये जो है एक कंपोनेंट जो है इधर आ जा रहा है, इसीलिए मैं इसको एक ये वाला जो है
टोटल चार्ज नहीं है, इसीलिए जो है मोबाइल ऑन नहीं हो रहा है। तो आप लोग ऐसे ही कोई भी मोबाइल का कुछ भी बैटरी निकाल के आप दूसरा कोई भी बैटरी फिक्स कर सकते हो, लेकिन उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है ये वाला कनेक्टर। अगर आपके पास ये वाला कनेक्टर होगा तो आराम से कोई भी मोबाइल को आप फिक्स कर सकते हो। ठीक है, देखिए ये वाला जो है चार्ज होना शुरू हो गया। मैं ऑन करके दिखाता हूँ, क्योंकि चार्ज नहीं है इसीलिए ऑन नहीं हो रहा है। तो देखिए ये जो है चार्ज होना शुरू हो गया। ठीक है, तो आज का वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आगे ऐसे ही अच्छा अच्छा वीडियो देखने के लिए। ठीक है, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।